हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप ऑल ओके होंगे क्या पढ़ने वाले आज हैं आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री चैप्टर नंबर टू चल रहा था हमारा इससे लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रो और एग्जाम्पल नंबर वन और टू डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करने वाले एक्जाम्पल नंबर थ्री को तो देखो एग्जाम्पल नंबर थ्री के अंदर ये मान के चलो ये जो मेनली पूरी जो जितनी भी चीजें इस्तेमाल होने वाली है ना ये सब आपके चैप्टर नंबर वन से रिलेटेड करती है यूनियन हुआ इंटरसेक्शन हुआ ये सब आपने चैप्टर नंबर वन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट चेकआउट कर लो एक बार और पढ़ लिया है तो आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं क्या कह रहा है आपको एक सेट है बी एक सेट है सी एक सेट है अब देखो मेरी बात सुनना फर्स्ट केस में देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी है बी यूनियन सी है फिर आपके पास इंटरसेक्शन है तो एक काम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं क्या कह रहा आपको बी तो चलो निकालो। है कॉमन कॉमन इन दोनों, में common, common. इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको केवल फोर कॉमन दिख रहा है ये लो निकल गया अब इस्तेमाल करें अपन इसका ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी ए क्या है आपके पास ए के नंबर लिखो वन टू थ्री बी इंटरसेक्शन सी के लिए लिखो फोर अब बताओ कितना आएगा क्या पेयर बनेंगे आपके पास आपके पास पेयर बन जाएंगे वन फोर फर्स्ट का फोर के साथ फिर टू का फोर के साथ और फिर थ्री का फोर के साथ ये लो, ये हो गया आपके पास क्लियर आंसर इसका ठीक है अगला भी यही कर देगा सेकंड वाला भी देखो सेकंड क्या बोल रहा है पहले तो निकालो आप ए मल्टीप्लाई बी निकाल के दिखाओ मुझे देखो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बनाओ पेयर बनाओ वन थ्री यार यहां पे नहीं होगा अगली स्लाइड पे चलते हैं ना यहां सब इसमें सो जाएगा मामला चलो देखो सेकंड वाला आना हमसे खुल्ले बुल्ले करेंगे ना यार ए मल्टीप्लाई बी और बी का मल्टीप्लाई क्या होगा बनाओ पेयर वन थ्री टू थ्री 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 और बनाओ देखो वन का थ्री के साथ बन गया टू का थ्री के साथ बन गया और थ्री का थ्री के साथ बन गया अब बनेगा वन का फोर के साथ का फोर के साथ और थ्री का फोर के साथ मेरी बात सुनो क्या कह रहा हूं मैं आपसे ध्यान रखना इसमें आगे वाला जो एलिमेंट रहता है ना वो इन दोनों प्रोडक्ट में आगे वाले का एलिमेंट रहता है आगे ए है ना तो आगे देखो, देखो ए के ही एलिमेंट रहेंगे पीछे बी है ना तो पीछे बी के ही एलिमेंट रहेंगे इस चीज को थोड़ा ध्यान देना ना अब क्या बोल रहा है आपको ए मल्टीप्लाय सी निकालो भाई ए मल्टीप्लाय सी ए और सी का प्रोडक्ट क्या निकलेगा ए और सी का प्रोडक्ट निकल जाएगा भाई ये रहा ए के ओके सर बन जाएंगे यहाँ तो बनाओ भाई ए और सी प्रोडक्ट बनाओ वन का फोर के साथ फिर वन का वन का फोर के साथ बन गया ना अब हम ऐसे भी कर सकते हैं वन का फोर के साथ बन गया फिर वन का फाइव के साथ बना लेते हैं है ना एक की बात है ऐसे ही बना सकते कोई इश्यू नहीं है वन का फाइव के साथ फिर वन का सिक्स के साथ आगे बनाए अब टू का बनाओ टू का फोर के, के साथ और टू का फाइव के, के, के साथ और टू का सिक्स के साथ ठीक है और बनेंगे ना थ्री का फोर के साथ थ्री का फाइव के साथ और थ्री का सिक्स के साथ देखो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे मैंने यहाँ जो सेकंड वाले केस में बनाया ना उसमें देखो मैंने किस तरीके से लिया है मैंने इस केस के अंदर यहाँ वन 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 लिया है इसके वन से पहले इन तीनों को किया है फिर इसके टू से इन तीनों को किया है फिर इसके थ्री से इन तीनों को किया है और जो ऊपर वाला केस है ना ए बी वाला इसमें मैंने पहले वन से थ्री को कर लिया फिर टू से थ्री को कर लिया फिर थ्री से थ्री को कर, कर लिया एक ही बात है ना दोनों केस सही है आप दोनों तरीके से बना सकते हो एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपको क्या करना है इसका इंटरसेक्शन करना है तो करो भाई ए मल्टीप्लाई बी का इंटरसेक्शन लेना है आपको ए मल्टीप्लाई सी के साथ अब मेरी बात सुनो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है वन थ्री नहीं मिल रहा है ये मुझे पहला मिल गया वन फोर ये लो भाई ये अपन लिख देते हैं वन फोर और ढूंढो फटाफट से ये लो मुझे मिल गया एक और टू फोर भी मिल गया और बताओ क्या मिल रहा है ये लो भाई मिल गया थ्री फोर थ्री फोर मिल गया और कुछ मिल रहा है क्या थ्री फाइव नहीं है थ्री सिक्स नहीं है थ्री थ्री नहीं है टू थ्री नहीं है टू थ्री है, है क्या नहीं है टू फाइव नहीं है टू सिक्स नहीं है ये हो गया ये आपके पास तीन पेयर निकल के आ गए थ्री पेयर्स अब बताओ यहां तो कोई दिक्कत है क्या नहीं आगे बढ़े चलो अब आगे देखते हैं अपन पर इस इसकी भी एक यार डुप्लीकेट कर लेते हैं अब देखो मेरी बात सुनो थर्ड केस में क्या कह रहा है थर्ड केस के लिए भी अपने काम करते हैं सबसे पहले बी यूनियन सी निकालो निकालो भाई बी और सी का यूनियन कहा है बी और सी कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बी यूनियन सी में देखो थ्री आ जाएगा फोर आ जाएगा फाइव आ जाएगा सिक्स आ जाएगा अब ये एलिमेंट होगा बी यूनियन सी में अब मल्टीप्लाई करो आप ए का मल्टीप्लाई बी यूनियन सी के साथ अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है ए में है आपके पास वन टू थ्री में कौन है थ्री फोर फाइव और सिक्स अब इनका क्या करना है आपको प्रोडक्ट करना है अब प्रोडक्ट कैसे होगा वही वाला तरीका है हमारा फिर बनाओ वन का 3 के साथ फिर वन का सिक्स के, के साथ ठीक है और बनाए अब टू का थ्री के साथ टू का फोर के साथ फिर टू का फाइव के साथ फिर टू का सिक्स के साथ ठीक है अब कौन आया थ्री का थ्री के साथ थ्री का फोर के साथ थ्री का फाइव के साथ और का अब बताओ यहां तक है क्या क्या मामला आ गया भाई समझ में ओके है क्या मामला बन गया भैया अब देखो इनको काउंट कर सकते हो आप एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टने कितने कितने पेयर बन रहे हैं ये बन रहे ट्वेल्व पेयर तो कैसे पता लगा सकता हूं? देखो इसको पता लगाने का भी तरीका बता देता हूँ एलिमेंट्स बी यूनियन सी में कितने, में कितने हैं आपके पास फोर कितना होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी अगर निकालने को कहा जाता है आपसे तो क्या निकालोगे आप थ्री मल्टीप्लाई फोर यानी कि इस तरीके से जो है हम पेयर्स की संख्या निकाल सकते हैं आया समझ में कुछ आगे बढ़े चलिए अगला लेते हैं हम इसी का फोर्थ वाला केस आ जाओ इस पर ओ -ओ -ओ -ओ। मल्टीप्लाई बी करना है पहले, चलो करो। पहले ए का बी के साथ प्रोडक्ट निकालो यार ए का बी के साथ वन थ्री वन फोर फिर टू थ्री फिर टू फोर फिर थ्री, थ्री थ्री फिर थ्री फोर आ गया समझ में आगे देखें अब देखते हैं अपन ए का सी के साथ प्रोडक्ट ओके ए का सी के साथ भी पहले बना चुके हैं ना वन फोर वन फाइव वन सिक्स अगला क्या है भाई टू फोर टू फाइव टू सिक्स और बज गए ना अभी तो थ्री फोर थ्री फाइव और थ्री सिक्स ये लो ये आपके पास निकल गया दोनों का प्रोडक्ट अब आपसे क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है भैया ए मल्टीप्लाई बी का यूनियन निकालना है किसके साथ ए का सी के साथ, साथ प्रोडक्ट के साथ ठीक है निकाले तो केवल वही वही चीजें लेनी है आपको जो सेम हो ना कॉमन उनको मत लेना मतलब जो दो बार आ रही है उन्हें मत लेना बाकी एज इट इज जितने दिख रहे हैं सारे केस ले लो देखो लेते हैं ले ले वन थ्री ले लिया हमने एक बार वन फोर ले लिया अपन ने एक अपने टू थ्री ले लिया अपन ने एक अपने टू फोर ले लिया एक थ्री थ्री ले लिया अपन ने एक थ्री फोर ले लिया अपन ने और भी है ना देखो वन फोर आ चुका है वन फाइव लेंगे वन सिक्स लेंगे अपन देखो टू फोर आ चुका है ना अपन टू फाइव लेंगे टू सिक्स लेंगे ये सिक्स सही है थ्री फोर आ चुका है ना अब अपन थ्री फाइव लेंगे और थ्री सिक्स ये हो गया आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनियन ये हो चुका है आपका और यार्थ केस आना लिखा नहीं है है ना इस पे भी नहीं लिखा क्या इस पर तो लिखा है थर्ड पे इस पर सेकंड लिखा है इस पर फर्स्ट लिखा है न? हाँ भाई सब पे लिखा हुआ है स्क्रीन शॉट लेना कोई दिक्कत लगे तो या वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना चेक कर लेना ठीक है ये आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर थ्री जो है कम्पलीट हो गया अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ तब तक रिवाइज जरूर करना कॉपी से रिटर्न कॉपी में रिटर्न आउट जरूर करना खुद से ठीक है केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा का? आपको सवाल आएंगे नहीं फिर कह रहा हूँ सवाल बस देखने से ऐसा लगता है इजी है आ गए हैं लेकिन आते नहीं है एक्चुअल में जब आप खुद सॉल्व आउट करोगे तो आपको पता लगेगा कहां कहां मिस्टेक्स हो रही है आपसे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय